वेलकम बैक टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत होंगे। तो आज की वीडियो जो आपसे शेयर करने वाली हूँ, हाथों और पाँव की रंगत को आप कैसे मेंटेन रख सकते हैं। तो जो भी खवातीन घरेलू कामकाज करती हैं या अफ्तारी के बाद इतने बर्तन हो जाते हैं तो धोना भी मुश्किल हो जाता है, और लड़कियाँ परेशान रहती हैं कि हम अपने हाथों और पाँव की रंगत को कैसे निखारें। ईद से पहले पहले आप अपने हाथों और पाँव को खूबसूरत तरीके से निखार सकते हैं। आपने चीनी लेना है और रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध लेना है, बॉयल करने से पहले वाला दूध लेना है, और इसके अंदर आपने एलोवेरा जेल ऐड करना है, और आखिरी और चौथा इन्ग्रीडियंट ओलिव ऑयल है। ये आपके हाथों और पाँव की मैल को ख़त्म करेगा और आपके हाथों और पाँव की रंगत को भी निखार देगा। तो ईद से पहले पहले जो भी लड़कियां बच्चियां परेशान हैं अपने हाथों और पाँव को निखारने के लिए, वो इससे निखार सकती हैं अपने हाथों और पाँव का रंग। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी और ये टिप भी आपको अच्छी लगेगी। अगर आप डेली बेस पे इस्तेमाल करना चाहें भी कर सकते हैं, हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करना चाहें भी आप कर सकते हैं। ईद से पहले पहले तक आपके हाथ नरम मुलायम हो जाएंगे, गोरे गोरे हो जाएंगे। इन इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये सारी चीज़ें आपस में यकजा हो जाए, और फिर हम इसको स्किन पर अप्लाई कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे पास एक वाइटनिंग सीरम तैयार हो जाएगा, या वाइटनिंग लोशन कह लें, जो मॉइस्चराइज भी रखेगा आपकी स्किन को, ड्राई भी नहीं होने देगा और मैल को भी साफ़ करेगा, कलर भी निखार देगा। तो आज ही इस टिप को तैयार करें और इस्तेमाल करें। रोज़ाना आप चाहें भी इस्तेमाल करना कर सकते हैं, आप चाहें हफ्ते में 2 से 3 दिन इस्तेमाल करना भी कर सकते हैं। ये आपकी मैल को साफ़ करेगा। टिशू आप इसको अप्लाई करेंगे स्किन पर, और उसके बाद आपने टिशू से साफ़ करना है। आप देखेंगे टिशू पर सारी काली मैली रंगत नज़र आएगी। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ये टिप भी अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।